आपके लिए बिल्कुल ताजा कथा है कि चिपका हुआ हूं प्यार की पिच से मैं आज भी, चिपका हुआ हूं प्यार की पिच से मैं आज भी, गुम हूं तुम्हारे प्यार में गुमराह की तरह, गुम हूं तुम्हारे प्यार में गुमराह की तरह, तुम जिस जगह थे छोड़ के आगे चले गए, अब भी वहीं खड़ा हूं मैं मिसबाह की तरह। मुझको तो इश्क विश्क में छक्के पसंद हैं, टुक टुक करूं मैं बैट से ऐसा नहीं हूं मैं, करता हूं प्यार व्यार धुआंधार मैं बड़ा, शाहिद हूं जाने मन कोई मिसबा नहीं हूं मैं। एक गैर सियासी कथा है धरने की बरकतें। धरने से जहां सुबाई तस्व खत्म हुआ, जात बरादरी से हम ऊपर उठे और पाकिस्तान में 126 दिन तक लोगों को अवेयरनेस हुई अपने हकूक की, वहां कुछ और बरकतें भी हुई। लड़की लड़की कराची की है तो लड़का पिशौर का, लड़की कराची की है तो लड़का पिशौर का, एक अजनबी का अजनबी हमराज हो गया, दोनों की आज शादी है कंटेनरों के बीच, धरने से नए दौर का आगाज हो गया। जो जो बदन के अंदर चूले हिलती जाती हैं, डॉक्टर साहब आपकी नजर करता हूं, जो जो बदन के अंदर चूले हिलती जाती हैं, शौहर और बेगम की शक्लें मिलती जाती, तालियां एक बार भरपूर बजाते हैं। वो दिलदार बट्टी कहा करते थे कि शादी मोहब्बत का बुखार शादी पे उतरता है, फिर बुखार उतरता जाता है और कर्जा चढ़ता जाता है। जो जो बदन के अंदर चूले हिलती जाती हैं, शौहर और बेगम की शक्लें मिलती जाती, हैरत से फिर एक दूजे को तकते रहते हैं, हैर से फिर एक दूजे को तकते रहते, कैंची जैसी चर्ब जुबाने सिलती जाती, ओ बेगम लाख बुलाए शौहर ऊंघता रहता है, हमसाई के सामने बाछे खिलती, पीछे नौजवान भी बैठे हैं इसी जमीन में, उनके लिए भी है कि 50 kg बेबी थी, 150 बनती जाती है, ये हमारे जमाने की महबूबाएं थी, आजकल तो बड़ी स्लिम स्मार्ट। 50 kg बेबी थी, 150 बनती जाती है, हर महबूबा बिल्कुल अपनी अम्मी बनती जाती है। तिल पर शफीकुर रहमान लिखते हैं कि एशियाई आशिक एक तिल पे आशिक होता है और सालम लड़की से शादी कर लेता है,
50 kg बेबी थी, 150 बनती जाती है, हर महबूबा बिल्कुल अपनी अम्मी बनती जाती। दिल पर लट्टू होने वाले रह रह के पछताते हैं, छैल छबीली बिल्लो भागड़ बिल्ली बनती। बहुत हैरान हूं बर्बादिये कसरे मोहब्बत पर, कि आपस में इमारत और अब नक्शा नहीं मिलता। ये सच है मैं तेरे डिंपल पे मरता था कभी जानम, पर अब वो टोए टिब्बे हैं, तेरा चेहरा नहीं मिलता। निराली है जमाने से मेरे महबूब की बातें, कहीं भी वो मोहब्बत के सिलेबस में नहीं मिलती। वो कहती है मेरी आंखें कलो पैतरा से मिलती हैं, मैं कहता हूं तेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। बीच में नए भी अपना रुखसत के वक्त रो पड़े दुल्हन के वालदैन, हंसते हुए लबों पे उदासी बिखर गई। रुखसत के वक्त रो पड़े दुल्हन के वालदैन, हंसते हुए लबों पे उदासी बिखर गई। जज्बाती सीन देख के दूल्हा भी रो पड़ा, फिर उसकी सारी उम्र ही रोते गुजर गए। कहा डैडी ने बेटे से, जहां शादी तुम्हारी हो किसी सूरत तुम्हारे बाप की भी गमगुसारी हो, करो कोशिश के रिश्ते के लिए वो घर मिले जिसमें बहू प्यारी हो लेकिन उसकी अम्मा उससे प्यारी। कल दफतन जो राह में महबूबा मिल गई, हर लम्हा याद आ गया अहदे शबाब का, पर जुल्म देखिए मेरी बेगम थी मेरे साथ, हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबाब का। न खाता, हजरत इकबाल की जमीन में है, न खाता अगर मैं तो तकरार क्या थी, मगर कुछ पकाते हुए आर क्या थी, किया हमको बर्बाद मेकअप ने तेरे, खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी, मियां बीवी में थी। ऐशवीक साहब, मियां बीवी में थी अगर कोई अनबन, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी। आप बारीक बातें बहुत समझते हैं। मियां बीवी में थी अगर कोई अनबन, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी, सितारों से आगे छलांगे थी अपनी, पड़ोसन की छोटी सी दीवार क्या थी, जहाजों पे आई थी बारात उसकी, वहां तेरी डिंकी सी ये कार क्या थी, नहीं थी रकाबत की घर्रू स्याही, तो फिर उसके चेहरे पे फिटकार क्या थी, चढ़ी नाक में जब तो फखरी न पूछो, वो छींकों का तूफान था नस्वार क्या थी। ये एक फोक, शायद पिछले साल भी सुनाई हो, फोक और मजाक को मिक्स किया है। हर गल जे डिस्कस न हुंदी, दिल दी गल भी दस न हुंदी, रोज ही पुंजे सौना पैंदा, रोज ही मंजी कस न हुंदी। वो एक खतून का बच्चा अंगूठा चूसने से बाज नहीं आता था,
उसने बड़े जतन किए, वो बाज ना आया। उसने देखा उसकी हमसाई का बच्चा भी उसी उम्र का है मगर अंगूठा नहीं चूसता। कहती भैन मैं तो बड़े जतन किए, तू की किया? कहती मैं ढिली जी निकर सुती उधरों ही फेल नहीं। लेकिन आपके साथ ये मामला नहीं, आप खुल के तालियां बजा सकते हैं।